ठीक है, तो आपको सिलेबस तो पता ही होगा अपने टेस्ट में क्या आने वाला है। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स आज हमारा रिवीजन वाला है। काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन दोनों कवर हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार लास्ट टाइम जब हमारा रिवीजन हुआ था तब मैंने आपको एक मतलब ब्रीफ डिस्कशन दिया था, तो आप लोग वो पढ़कर आए हो। यस मैम, ठीक है, सभी को क्लियर है ना वाली चीज? मैम। ओके बढ़िया। और अगर चाहिए रहेगी तो मैंने साइड में खोला हुआ है उसको, ठीक है, हम लोग उसको चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार ही अपना रिविजन हो चुका है ना। ये देखो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो उसमें से सारी ट्रिक्स वगैरह, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। तो उस पर और ज्यादा डिस्कशन करने का कोई पॉइंट है नहीं। बाकी जरूरत पड़ेगी तो देखो यहाँ पे जैसे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, है ना, अप प्लस डाउन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आई होप ये सब चीजें मतलब क्लियर होंगी, है ना। यूज कर लेते हैं इन सबको आज की क्लास के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्यारे हैं, सबके सब जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम लगाओ, इनको सॉल्व करो, एंड दैट वुड बी इट। देखो अभी टाइम हो रहा है 14:07, आप लोग इसको सॉल्व करो। होल होगा या चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है आंसर? देखो ये तो सिर्फ टाइपिंग वाला है ना, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। जिसमें ऑप्शन होगा उसमें मैं पोल दे दूंगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू इनफ ऑफ द टाइम, बट ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाओ, जूझो, क्वेश्चन से लड़ो झगड़ो, बट आंसर दो, तभी कोई फायदा है इन सब चीजों का, अदरवाइज से ना कोई मजा नहीं है। मैम डन। ये आंसर नहीं है बेटा, एक बार फिर से देखो। ये भी नहीं है, देखो अब काफी टाइम हो गया है इन चीजों को करते हुए। अब आई नीड आंसर्स, ठीक है, लगाओ दिमाग। ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, सी मैं तो करा ही दूंगी, दैट्स नॉट द पॉइंट। गुड मंत्र शंकर, अभी फटाफट से कोई भी एक तुम दोनों में से मुझे माइक ऑन करके बताओ कि तुमने इसको करा कैसे, ठीक है। मंतुषा या अंकुर, आपके आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक बारी बस मुझे अपना प्रोसीजर बताओ कि चले कैसे हो तुम इसको सॉल्व करने के लिए, बताओगे?
हाँ तुक्का मारा है क्या फिर? ओके, 1 मिनट, ठीक है। तुम्हारा मैं बताऊं, मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी आंसर क्या आ रहा है फिर? मैम, अब 1 आ रहा है मैम। पहले मैंने यू स्क्वायर गलत ले लिया था बताओ। मैम। इसमें मैम वी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और यू स्क्वायर जो है मैम वो 20 होएगा, क्योंकि इसमें इनिशियली 20 से स्टार्ट किया गया है। तो मैम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS में रख देंगे इनकी वैल्यूज को, तो मैम 1 आएगा तो वी स्क्वायर की आपने वैल्यू क्या ली? मैम। पहले 40 ली थी और यू स्क्वायर की 20 ली थी ओके, और ए क्या लिया था आप? एस क्या है? मैम, S10 लिया था। अच्छा, देखो अभी मैं इसको बताती हूँ तो समझना। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला आप इसको समझो इसके कॉन्सेप्ट से, बेसिकली कॉन्सेप्ट वन। देखो आपको ये कर्व दिया है वी स्क्वायर वर्सेस एक्स, राइट, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इज दैट फाइन? वाई क्या होगा? जो भी वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर वी स्क्वायर है। एम हमको भी पता नहीं, चलो भी निकाल लेंगे एम, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स ही है। और सी क्या होगा? जो भी आपको इंटरसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ होगा, इज दैट ओके? तो बेसिकली ये जो अप्रोच है ना, ये आपको क्या दे देगी? ये आपको दे देगी वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मुझे वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाता है तो सोचो कि मैं अब क्या करूं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप सिंपल सी बात है, मुझे ये याद रहना चाहिए ना कि एक्सिलरेशन को वी डीवी बाई डीएक्स लिखा जा सकता है। ये सुनो, अगर मुझे पता है एक्सिलरेशन को बिल्कुल लिखा जा सकता है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं और मेरे को चीजें मिल जाएंगी। देखो जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वुड यू गेट? आपको मिलता है 2v dv/dx इज इक्वल्स टू एम। सी तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, और एक्स सिर्फ एम बचेगा। देख रहे हो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन सिंपल आ गया m/2, स्लोप का आधा। अब स्लोप निकालना इज नॉट अ बिग डील। स्लोप कैसे निकाल देंगे? हमको पता है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये नहीं पता? ये वैसे ये तो पता होना चाहिए, वरना y2 - y1 / x2 - x1 कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स लेके निकाल लो। तो इफ आई कंसिडर यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे थीटा ले, तो ये वाला पोर्शन विच इज y2 - y1 यानी कि 40 - 20 20, और इधर आ जाएगा 10, तो 20 by 10 2 आ रहा है। ठीक है, और इसका हाफ आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 m/s। ये है कॉन्सेप्ट नंबर वन। अगर आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, सोचो अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ना हो, यहां तो मेरे पास प्रिविलेज है कि स्ट्रेट लाइन है तो डील करना इजी हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, तब आप उस इक्वेशन को लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार इसका डिस्कशन हुआ है, हम आज का हर क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि वो एक हमें मतलब उससे कॉन्सेप्ट सीखें, डीलिंग करने का तरीका सीखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, वही हमको आंसर और सिलेक्शन दोनों दिलाने वाले, राइट। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है, और वो कॉन्सेप्ट इसलिए बन सकता है क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो वी स्क्वायर वर्सेस एक्स है, देखो हमने वी वर्सेस एक्स, वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, बहुत सारे ग्राफ देखे हैं। वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ये हमारे साथ उतना यूजुअली नहीं आया है, राइट, फ्रीक्वेंसी उतना नहीं है। अगर आपको वी स्क्वायर वर्सेज एक्स दिया है और ऐसे चांसेस बैठ गए हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इक्वेशन जो है, देखो यहाँ पे एस क्या है, एक्स की टर्म में इनटू सॉरी प्लस यू स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखो चीजें सही बैठ रही है ना। वाई की जगह वी स्क्वायर दिख रहा है,
एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है, एक्स ही है, और सी की जगह यू स्क्वायर दिख रहा है, ये सुनो। यानी कि जब आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करके आपको मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू m by 2. व्हाट इफ समबडी इज आस्किंग यू अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है t इज इक्वल टू 0 पर, जो वेलोसिटी होती है x इज इक्वल टू 0 पर नहीं, ठीक है समीक्षा। तो आपने जो यहाँ पर u रख दिया था दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं रखना है। हमें t इज इक्वल टू 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी मिलती है दैट इज आर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो बड़े क्लियर रहना डेफिनेशन को लेके हमें। आप जब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा c इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ c. c इज व्हाट, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी आ सकता है। ये था कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कब काम करेगा, जब आपको v स्क्वायर वर्सेस x दिया हुआ हो और स्ट्रेट लाइन दी हो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दी है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग विद कॉन्सेप्ट वन। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक बोला हुआ है कि द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये आपको ग्राफ गिवन है और आपको यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करना है कौन सा इसमें सही ग्राफ होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ तो आपको दिख जाएंगे दोनों स्लाइड्स। एक मिनट, ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, यस मैम, अब दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 14:18, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैम ये सारे पी बाई क्यूज है। हाँ जी बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ नहीं है। मैं अगेन ना ईयर लिखना भूल गई क्योंकि अभी भी मुझे रिसेंटली याद रहता है कि अपन पीसीएम पीसी भी अलग अलग हो गए हैं, तो मैं ईयर इसमें लिख दूंगी, ठीक है। ओके मैम, मैम पोल से करवाइएगा। तो मैं उन्हें आंसर ड्रॉप कर दूं ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने क्या करा है। मतलब पोल लॉन्च करने से ज़्यादा बिग डील, बट थोड़ा सा पता चल जाता है। ओके मैम।
आकांक्षा एक अपना बिल्कुल सर्टेन ऑप्शन बताओ, राइट, और दूसरा टाइम होने वाला है, लोग ट्राई करो फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ, सिर्फ एक ही बच्चे का है। ओके आकांक्षा, से मुझे सबसे पहले आकांक्षा आपका आंसर आया, तो आई रियली वांट टू नो कि कैसे आया, एक बार मुझे बताओ। ओके माधव, क्या करा आपने? मैम इसका एम पॉजिटिव आ जाएगा पिछले वाले फॉर्मूला के थ्रू, और जो सी है वो नेगेटिव आ जाएगा। पिछले वाली फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो, ठीक है। यस मैम। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने कौन मतलब गिवन कर्व के लिए लगाई, राइट, इक्वेशन क्या आई? क्या मैम? आपने वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किस इक्वेशन के लिए, किस ग्राफ के लिए लगाया? बोल रहे ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाया, बिल्कुल वही लगेगा, लेकिन कहाँ लगाया, किसके लिए लगाया? क्योंकि ग्राफ आपको वी वर्सेस एक्स दिया हुआ है और ऑप्शंस में ए वर्सेस एक्स है, तो कैसे मतलब वहां तक पहुंचे? समीक्षा आप बताओगे? मैम पहले मैम जो वी है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो मैम वो इक्वेशन मेरी माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट आई मैम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसमें स्लोप एम मतलब माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट कैसे आया बच्चे? मैम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। यस ओके मैम, इसीलिए माइनस वी नॉट आएगा ना। ठीक है, फिर और मैम फिर एक्सिलरेशन निकालने के लिए मैम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके माधव आपने कैसे किया बेटा? ऐसे ही कर दिया, तुक्का मार दिया। अच्छा, ऐसे ही करा है। ओके चलो, एक बारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे अभी। माइनस वी नॉट था तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही थी। बेटा यही तो इशू था, वी नॉट ये जो आ रहा है, अभी देखो ये इक्वेशन किसके लिए आ रही है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ज्यादा ही हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है कि आपको ना यहाँ पर दो कर्व दिए हुए थे, अब ध्यान से देखो, जो गिवन कर्व है दैट इज वी वर्सेस एक्स, ठीक है, और जो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो ए वर्सेस एक्स है। तो सबसे पहले वी वर्सेस एक्स आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, जब आपको स्ट्रेट लाइन दिखा तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहने वाला है कि हम y is वाइज equal to mx plus c। बिल्कुल इसका यूज करें। तो इसके हिसाब से देखो, वाई एक्सिस पर वी है, एम अभी हम निकालेंगे, एक्स प्लस सी कुछ ऐसा आने वाला है, राइट। अब एम निकालने के लिए देखो थीटा ये है ना, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा आएगा आपका माइनस का वी नॉट बाय एक्स नॉट, ठीक है, इसको इधर पुट कर दो, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स और प्लस सी, इज दैट ओके? ये आपका इक्वेशन आ गया। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप ये वाली इक्वेशन निकालना चाहो मतलब लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में वाली चीज चलनी चाहिए कि हम v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालते हैं। अब जब मैंने देखा कि जिस क्वेश्चन को मुझे आंसर करना है वहां a वर्सेस x का मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, ए वर्सेज एक्स ही है ना सारे ग्राफ, तो हमें वी से ए तक आना है। वी से ए तक आने का एक ही तरीका है, क्या आपको पता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वी डी वी बाई डी एक्स, बताओ इसका कितना फायदा है? आपने पहले ही वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया है,
आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहाँ पे आप रख सकते हो v की जगह ये वाली पूरी इक्वेशन पुट कर दोगे, माइनस का v नॉट बाय x नॉट इंटू एक्स प्लस सी, और dv बाय dx की जगह आप क्या रख दोगे बेटा, माइनस का v नॉट बाय x नॉट। दिस इज एक्सिलरेशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्सिलरेशन आ जाएगा माइनस का v नॉट अपॉन x नॉट इंटू एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इधर, और प्लस सी, राइट, प्लस माइनस माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। ठीक है, सी इज अ कॉन्स्टेंट बेसिकली, तो कोई इशू ज्यादा उसमें पड़ने वाला नहीं। और आपको देखो अगर सी का वैल्यू भी यहाँ पे कहीं पे गिवन है क्या, हाँ ये देखो इंटरसेप्ट आपको गिवन है वी नॉट, इज दैट ओके? बोलो ये ऐसे आ गया। यस ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर देखो यहाँ पे मैं लिखी देती हूँ आपको, दिक्कत नहीं होगी। दिस इज वी नॉट। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताओ, मुझे अब यही इक्वेशन ग्राफ देने वाली है, तो आई एम सपोज टू स्टडी इट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन के अंदर आप देख पाओगे कि एक्सिलरेशन का भी वैल्यू वन है, मतलब पावर वन है, और इस एक्स की भी पावर वन है ना। इस पर आप थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ये ऐसे ही तो है। अब आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर कि एक्सिलरेशन का भी वैल्यू वन है और इधर एक्स का भी वन है, मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो होता है लीनियर रिलेशन होता है जिन दोनों के बीच। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इसको कंपेयर करो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो ये आपको एक पॉजिटिव स्लोप देती है और आपको एक नेगेटिव इंटरसेप्ट दे रही है। अब जिन जिन ग्राफ्स में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो वाला ग्राफ आपका आंसर होगा। इज दैट ओके? चलो अब हम ग्राफ स्टडी करते हैं। देखो यहाँ तो स्लोप ही नहीं है। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। एक सेकेंड। हाँ देखो ये ए और सी तो कैंसिल हो गए क्योंकि स्लोप ही नहीं है उधर। अब आप देखो बी वाले ऑप्शन में, यहाँ आपको दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव है, और आपको पता है अपनी तुलो स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत, तो ऑप्शन डी सही होता है। स्लोप भी पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा चीज नेगेटिव इंटरसेप्ट भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तीनों चीज यहाँ पर हमारी फुलफिल होती हैं। तब आपने निकाला है यहां से कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके? ठीक यस मैम। है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। यहां बोला है वॉटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। The drop fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor at that instant, the third drop begins to fall. Locate the position of second drop from the floor where the first drop strikes the floor. कहने का मतलब क्या है कि अपने पास एक शार है 9.8 मीटर ऊंचा, वहां से ड्रॉप्स गिर रही हैं और वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर फॉल करती है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है, तब थर्ड ड्रॉप शार से जस्ट अबाउट टू फॉल होती है ना? तो बताओ सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊपर है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यस मैम। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बता देना जब भी देखने हो। अभी मैं आपको इसके लिए टाइम दे देती हूँ। 14:30 हो रहा है, 14:35 तक मुझे करके फटाफट से आंसर करो, और एक्सप्लेनेशन भी तैयार रखना, खाली आंसर से काम नहीं चलेगा। क्या समीक्षा G13 में क्यों सेंड करूंगी, मेरे पास एक ही तो बैच है आप लोगों का। मैम G13 के बच्चे भी आते हैं इस क्लास में।
सर्टिफिकेट मैम पहले भी है मैम चार आपके बोर्ड थे आपके सेम है पास, अब दो हैं। मैम मंदिशा आप बताना चाहोगे बेटा कैसे आया आंसर? यस मैम। हाँ बताओ। मैम इसमें दे रखा है हाइट जो 9.8 है, तो इस क्वेश्चन में हम जो फर्स्ट ड्रॉप है वो जैसे ही हम फ्लोर को टच करते हैं तो उस समय थर्ड ड्रॉप गिरने वाली होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो जाएगी हर ड्रॉप की वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो बिल्कुल फर्स्ट ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी पता है हमारे को 0 मीटर पर सेकेंड, और हाइट भी पता है, तो मैम उससे टाइम निकल जाएगा। और मैम यहाँ पे लिखा है कि हर एक इंटरवल के बाद जो है ये ड्रॉप गिर रही है, तो मैंने मैम थर्ड से सेकंड के ड्रॉप का टी टाइम मान लिया और सेकंड से फर्स्ट का टी टाइम, तो टोटल टाइम होगा 2t। तो मैम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी की वैल्यूज को निकाल लिया और उसी से सेकंड ड्रॉप का हाइट आ गया नोजल से और मैम 9.8 से माइनस कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तब बाकी और कोई आंसर करना चाह रहा है क्या? एज फार एज आई कैन रिमेम्बर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना? एक बार मैंने ड्रॉप का क्वेश्चन कराया था।
देखो प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर तुम रिवीजन क्लास के रिवाइज कर लिया करोगे तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। मैं बताऊं एक बारी अभी, या कोई ट्राई करना चाह रहा है अभी तक भी? मैं करा दूं? ओके देखो एक सिंपल सी बात करते हैं। ऐसा मानते हैं देखो, इधर है ग्राउंड, ग्राउंड से 9.8 मीटर ऊपर शार है, ठीक है? ऐसे यहां से ड्रॉप्स गिरती है, ठीक है? अब आप एक बात मुझे बताओ, जब यहां से फर्स्ट ड्रॉप निकली होगी, तब अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 बोलू, तो जब वो यहां कहीं पहुंची होगी, टी इज इक्वल टू टी पर, ऐसा मानते हैं, एक मिनट रुको, हाँ जी कृष बोलो बेटा। कृष, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? और ये ऐसे ही हो गया है, हाथ वाथ बता देना मुझे, ठीक है? हाँ, तो देखो अगर फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंचेगी, तब सेकंड ड्रॉप जस्ट अबाउट टू ड्रॉप होगी ना, और ये हमें बोल रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे आ गई, यानी कि 2t टाइम पर, तब थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, यानी कि सेकेंड ड्रॉप टी पर होगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? कुछ तो बोलो। यस मैम, यस मैम, एक बारी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कहता है, ओके कृष्णा की, सॉरी कृष, क्वेश्चन आपसे कहता है कि जस्ट जिस टाइम पर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है, उस टाइम पे थर्ड ड्रॉप निकलने वाली है, ठीक है? हर टी टाइम बाद अगर ड्रॉप निकल रही है, तो पहली ड्रॉप को निकले 2t टाइम हो गया होगा ना? ये सुनो, यस मैम, ठीक है? बस अब हमें इसी चीज का यूज करना है। अब हम ना सबसे पहले टाइम निकालेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे बेसिकली। तो मुझे इस पूरे के लिए पता होना चाहिए ना, आपको जब मैंने लास्ट क्लास रिवीजन वाली क्लास कराई थी, तो मैंने आपको टाइमिंग बताई थी कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो डायरेक्ट यूज कर कर। यस और नो? ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा 2t। आप इसकी जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो 2 × 9.8 / 9.8, जी की वैल्यू पे 9.8 ले लेते हैं, यहां से आपके पास बचेगा √2, और देखो टाइम का वैल्यू आ जाएगा √2/2, यानी कि 1/√2 सेकेंड। इतने इंटरवल पर ड्रॉप्स जो है गिर रही है, ठीक है? अब आप अगर फोकस करो सेकंड ड्रॉप पर, बेटा सेकंड ड्रॉप के लिए आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये चीज तो 0 हो गई, क्या बचा आपके पास? -half × g और t का स्क्वायर, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9.8/4 आ जाएगा, ठीक है? अब ध्यान रखना, ये 9.8/4 कहां से आया है? जो ऊपर नोजल है ना, उससे। लेकिन हमें कहां से चाहिए? फ्रॉम द ग्राउंड चाहिए, यस और नो? यस मैम, ठीक है, अब देखो हम इसमें सिंपली यहां पर सॉल्व कर देते हैं, फ्रॉम ग्राउंड। अगर पूरा 9.8 है, देखो यहाँ पे ये जो माइनस आता है ना, वो माइनस शो करता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो सही है। मैं यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ खाली, तो ऐसे ही निकाल दूँ ना, 9.8 - 9.84। किसी को इस चीज में तो दिक्कत नहीं है ना कि यहाँ पे आपने ऐड कर लो उस चीज को। नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में उसका मोशन हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 9.8 × 3/4। थोड़ा सा सॉल्व करना है इसे, 4 × 2 = 8, 1 बचा 0.8, 0.6, 4 × 2 = 16, 2.45 × 3, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 = 13, 1 = 7.35 मीटर। ऑप्शन विच वन? ऑप्शन बी।
कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ ये ना ओके। अरे समीर तुम क्लास में कैसे? क्या मैम? तुम मेरे साथ ही मतलब इसी वाले बैच में रह गए हो? मैम मैं इसी बैच में हूँ। अच्छा तुम आ नहीं रहे थे पिछले कुछ टाइम से। मैम हमारे तो साक्षी मैम पढ़ाने लगी थी ना G9 और G10 को, अब खुशी मैम नहीं पढ़ाती। हाँ हाँ आपकी साक्षी मैम की ही क्लास लग रही होगी। एक बार ना आप उनका लिंक क्लिक करके वहां पे ट्राई। मैम उनका लिंक ना ज्वाइन नहीं हो रहा था और मैं आपके ग्रुप में हूँ, मतलब खुश वो फिजिक्स वाले ग्रुप पे, तो आपने लिंक भेजा, मैंने सोचा कि लिंक होगा तो मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा नहीं नहीं वो साक्षी मैम का नहीं, वो तो मैंने मतलब जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना इस टाइम उनके लिए भेजा था। ठीक है तो आप साक्षी मैम वाला ज्वाइन कर लो, पर अभी क्लास में आया होगा वो लिंक। चलो मैम उनका आया था बट वो ज्वाइन नहीं हो रही थी ना इसलिए मेरे को लगा ये। ठीक है एक बार उन्हें पर्सनली मैसेज कर दो, शी विल लेट यू इन। ओके ओके अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड यू, राइट? यहाँ पे है ये यू। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन। प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। अभी टाइम हो रहा है 14:42, आप इसको ट्राई करो। ठीक है आंसर करना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी तैयार रखना। कैसे आया समीक्षा?
मैम इसमें मैम जो टाइम पार्टिकल को लगा था मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए उसे हम T1 मान लेंगे, और जो टाइम उसे ग्राउंड को हिट करने में लगा था उसे हम T2 मान लेंगे। तो मैम T1 निकालने के लिए हम V इज इक्वल टू यू प्लस AT वाली इक्वेशन लेंगे मैम, जहाँ से T1 जो है वो यू बाई जी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि मैम एक्सिलेशन माइनस जी होएगा। और मैम T2 निकालने के लिए हम S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी मैम जो मैक्सिमम हाइट रहेगी मैम वो माइनस की हो जाएगी क्योंकि वो डाउनवर्ड भी आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैम यहाँ से T2 जो है मैम n टाइम्स u बाई जी आ जाएगा। तो मैम फिर दोनों को इक्वेशन 2 में रख देंगे और फिर मैम आंसर आ जाएगा। ओके चलो दैट्स नाइस। बट पता है ये ना, अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको ऐसे लेके जाओ ठीक है, हर चीज का डिटेल करो। बट अगर मेरे पास ये चीज कॉम्पिटिशन में आ जाए तो मैं बार बार v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाली चीज नहीं लगाना चाहूंगा, मुझे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, मुझे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मतलब मतलब आई रियली लाइक कि आपने बहुत अच्छी अप्रोच यूज करी, बट आपको थोड़ा सा ना पॉइंट टू पॉइंट होना पड़ेगा अगर कंपटीशन के लिए हमें चाहिए। देखो जैसे कि ये फ्लोर है, ये हाइट हो गई वो टार की, यहां से आपने इस बॉल को फेंका राइट हाँ बेटा, ये कुछ कुछ राइज करेगा और वापस इधर गिरेगा है ना, ऐसे ही होगा? यस मैम राइट ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम या तो अप जाने का या डाउन जाने का ये बराबर होगा यू बाई जी के ठीक है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, कोई क्वेश्चन यूज नहीं करनी है। अब जब मेरे पास इन्होंने क्या दे रखा है कि जो भी टोटल टाइम है दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ दिस टाइम, यानी कि एन यू बाई जी ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि मेरे पास तो एक इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी का यूज करेंगे। एस कितना हो गया माइनस का एच, यू कितना है जीरो है ना, माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो एन यू बाय जी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपसे यही तो कहा था एच यू और एन के बीच रिलेशन यहीं से आएगा, सॉल्व करो इसको। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना, 2g को उधर भेज दें तो माइनस 2g एच और प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज दैट ओके? यस मैम। एक सेकेंड ना ना देखो उसमें यू दे रखा है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं मान सकते, यू इज गिवन, और ये बताइए यहाँ पे प्लस यू टी आएगा, अपवर्ड फेंका है एक सेकंड रुको, ये वाली चीज मिस हो गई मुझसे, आपने जीरो माना था क्या मैम, आपने जीरो मान के किया, एक बार चेक करो आंसर सही आ रहा है क्या, फिर जीरो तो नहीं है, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको बेटा। अभी यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस का 2gh, इधर बच जाएगा माइनस का एन स्क्वायर यू स्क्वायर राइट, और इधर बचाएगा प्लस का 2gut, इज दैट ओके? एक जी से एक जी कैंसिल, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी, यहां से भी एक जी हटा देते हैं, सिंपल ये बचेगा। अब बस हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इट वुड बी एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी माइनस का 2ut माइनस का 2h बराबर जीरो के ठीक है। अब मुझे इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में मेरे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2gh gh ऐसे दिख रहा है, तो हमें gh को एक तरफ निकालना पड़ेगा, gh चाहिए, तो gh के लिए क्या करेंगे, एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ugt और माइनस 2hg।
आ गया ना जीएच, इसको आप ले जाओ तो ये ऐसे दिख जाएगा। अब इधर आपको बस सॉल्व करना है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आई गेस यू कॉमन ले सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, टी का वैल्यू पुट कर दो भाई, टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, हमने यहाँ पुट किया था उधर भी पुट करना पड़ेगा यूटी के लिए। हाँ वही तो अभी थोड़ा सही आएगा, एन यू बाय जी, ठीक है उसे सॉल्व कीजिएगा इसको, बस आंसर आने ही वाला है माइनस टू एन यू। अब देख लो अभी हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लो, आई गेस एन भी बाहर जा सकता है तो यहां से एन माइनस टू यू बचेगा, इज दैट ओके? यस मैम, है ना, एक बार चेक कर लो एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, टी इज एन यू बाई जी एंड एक यू भी बचेगा इधर। अब सही है, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा टू जी एच इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, आई गेस ये फाइनल एक्सप्रेशन बचेगी। हाँ अब सही है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही है, है ना? Yes, ma'am. हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं अपने टाइम की वैल्यू कैसे निकाली थी डायरेक्ट? बेटा ये टाइम की वैल्यू ना, देखो मैंने यही मैं बोली थी कि आपने एक बार लास्ट वाले लेक्चर्स पढ़ कर आते, देखो यहीं पर होगा आई गेस, ये मैंने लास्ट वाले में ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताए थे, कहा था कि शॉर्ट नोट है ये, आप इनको लिख लो अपनी कॉपी में, तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कशन किया हुआ है, बताया था आपने, बताया हुआ है ये जितने भी ये है ना वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है भाई, चीजें अच्छे से कर ले, देखो टी अप प्लस टी डाउन, टी इज इक्वल्स टू टू यू बाई जी, देखो ये चीजें मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, सब चीजें डायरेक्ट फॉर्मूला से हैं, यू बाई जी आर है, राइट? डिटेल तो हमें हर बार पता होता ही है, बट हमें अपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कौन सा ज्यादा सही है अप्रोच, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी मेरे को, वरना बाकी सारा चीज सिंपल है, अपना कॉन्सेप्ट है कि आपको ये वाली चीज यूज करके आंसर लाना है, इज दैट ओके मैम? ठीक है ओके, ये एक्स्ट्रा रह गया अपने पास, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना मतलब मजा आ जाएगा आपको। आपसे कहा गया है टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ व्हिच इज 240 मीटर हाई, ठीक है, एक की इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, एक की 40 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा है कि कौन सा चार ग्राफ, आपको भी दिखाऊंगी कि कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े ध्यान से इस वर्ड को पढ़ना बच्चे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ठीक है, स्टोन्स रिबाउंड नहीं कर रहे हैं ये आपको बोला गया है, ये रेसिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा ना जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ, एक मिनट, एक सेकेंड, आई गेस विजिबल है ना ग्राफ्स, इसको सॉल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और अभी टाइम हो रहा है 2:55 PM, आराम से 5 मिनट लो और सॉल्व करो।
मैम ऑप्शन सी में एक्स एक्सिस पे क्या है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है आया आंसर क्या मैं कर रहा हूँ साफ निकालने में दिक्कत हो रही है। हम टाइम तो निकाल दिया मैम दोनों लेकिन कंफ्यूजन है मैम ग्राफ कोई इशू ठीक है चलो कोई नहीं एक अच्छा क्वेश्चन था एक होगा मैम लेकिन ऑप्शन बी तो नहीं होएगा। ओके कौन सा होगा अच्छा ठीक है माधव आई विल वेट मैं ऑप्शंस दिखाऊं फिर से मैम ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। ओके चलो बहुत अच्छा तुम लोग अगर यहाँ तक पहुंच पाए हो दैट्स वेरी नाइस माता आई एम वेटिंग फॉर वन मोर मिनट ठीक है एंड देन लेट मी नो
ओके ओके पांचा, कोई इशू नहीं। ठीक है समीक्षा, आप ऑप्शन सी तक कैसे पहुंचे? मैंने ये सोचा कि मैम जो वेलोसिटी है सेकंड पार्टिकल की, मैम वो जब तक ग्राउंड पे हिट नहीं करेगा मैम, तब तक उसकी वेलोसिटी तो मतलब इंक्रीज ही होनी चाहिए। तो मैम जो ग्राफ डी है उसमें तो मैम डिक्रीज हो जा रही है, इसलिए मैंने ऑप्शन सी किया। चलो अब देखते हैं। देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। अब ऐसे सोचो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसे सोचो कि अपने पास ये रहा फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ऐसा कोई यहां से तार है जहां से हमने दोनों पार्टिकल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, एक को हमने लॉन्च किया है किससे, 40 मीटर पर सेकेंड से, और एक को 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जो 40 वाला है वो सेकेंड स्टोन है, अगर वो ज्यादा स्पीड से गया तो ज्यादा ऊंचा भी जाएगा, है ना? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। आपने एक पार्टिकल लिया है और उसको आपने 10 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च किया, ये जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे S1 लिख के दिखाओ, ये आपको हाइट दे रखी है 240 मीटर्स, तो S1 कैसे आ जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, है ना? तो फर्स्ट वाले के लिए यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड के लिए इट इज 10T-1/2 GT स्क्वायर। सिमिलरली S2 वुड बी, हाँ हम फर्स्ट वाले का आंसर 8 आ जाएगा। यस ओके, वी विल गो ऑन मैम। दैट वन। अब देखो, अब हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो बोल रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? S2 1 यानी कि S2 - S1, है ना? ये तो हम पढ़ते आए हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, यही तो हमसे पूछा है। चलो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 40T-1/2 GT स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे आप 10T-1/2 GT स्क्वायर से। 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी से हाफ जी टी कैंसिल, 40T-10T 30T आ गया। और देखो यस ये बिल्कुल सही है भी, क्योंकि आपको सभी ग्राफ्स का स्टार्टिंग वाला पोर्शन एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन मिलेगी भी क्योंकि जब दोनों के दोनों एयर में है पार्टिकल्स, तो उनके बीच कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, जब एक जी से एक G/2 से मूव कर रहा होता, दोनों ही जी से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो है ना जब तक दोनों एयर में है। तो ये बिल्कुल ये वाली बात होनी भी चाहिए, और आप देखो चारों ग्राफ्स में आपको यही चीज देखने मिलेगी। तो यानी कि ये तो वो पॉइंट नहीं जिससे मैं डिसाइड कर पाऊं कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। इज दैट ओके? अब आगे क्या करें, तो एक काम करते हैं, जब दोनों स्टोन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक गए हैं, तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता है। ठीक है, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेता है। जो फर्स्ट स्टोन है उसके लिए जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर क्या आने वाला है? देखो अभी देखते हैं, हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे S=UT+1/2 AT स्क्वायर। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो मतलब पूरा नीचे आ चुका है टू 240। इनिशियल हमें तो जीरो दे रखी है, ½ G(T)² इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? मैम आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ली? सॉरी, माइनस का 10T होगा, प्लस का 10T। राइट राइट राइट, प्लस का 10T। अब तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी रूट्स क्या मैम बता रहे हो आप लोग? 8 और -6, तो मैम माइनस तो लेंगे नहीं, इसलिए एक माइनस सेकेंड आएगा। सबके टाइम में तो 8 सेकेंड कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, अब देखो इसके रूट्स निकालोगे ना खुद से, ये वाला मतलब मैं थोड़ा ले रही हूँ शॉर्टकट, इसके आप स्क्वायर रूट्स निकाल लेना। यस मैम कर ठीक है, एक सेकेंड। अब बात करते हैं सेकेंड स्टोन की। बच्चे सेकेंड स्टोन का भी कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा, कैलकुलेट करते हैं। मैम सेकेंड ट्वेल्व स्टोन के सेकेंड जब आप, ओके जब आप इक्वेशन लिखोगे
अगेन यही वाली इक्वेशन लिखेंगे, इससे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस आ जाएगा 240 मीटर्स माइनस का, यू आ जाएगा 40 टी, और ये आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके आप रूट सॉल्व करोगे तो 12 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि 8 सेकेंड तक दोनों है एयर में, नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। और 8 सेकेंड में देखो हर जगह स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो आगे भी दे रखे, तो ये तो ग्राफ गलत हो गया, 12 तक तो नहीं जाने वाला है ना, 8 तक जाएगा। इज दैट ओके? ऑप्शन बी यहीं पे गलत होता है हमारा। अब ए सी और डी को देखना है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करना चाहूं तो बेसिकली होगा क्या कि लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द टावर, दिस इज द लॉन्चिंग पॉइंट, ये वो है जो 40 मीटर पर सेकंड से गया है, लेट्स सी, ये वो है जो 10 मीटर पर सेकंड से गया है। तो अब 10 मीटर पर सेकंड वाला अपनी पूरी जर्नी करके यहां आ चुका है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड वाला यहां कहीं होगा क्योंकि वो ऊंचा गया था इस तरह से। अब आप एक बताओ, ये सिचुएशन है 8 सेकंड, अब पहला वाला तो स्टॉप हो चुका है लेकिन दूसरा वाला तो चल रहा है ना, और वो नीचे आ रहा है अभी भी एक्सेलरेशन के साथ। यस और नो? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। तो अब हमको क्या निकालना है, हमें फिर से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब पहला वाला ग्राउंड को टच कर जाएगा, ठीक है। एस टू वन हमने पहले भी निकाला था ना, अभी फिर से कैलकुलेट करते हैं। व्हेन फर्स्ट स्टोन हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड, जब पहला वाला ग्राउंड पे गिर गया है तब क्या सिचुएशन रहेगी? तब बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वन बोलूं तो वो तो माइनस 240 मीटर हो गया पूरा, शांत है। एस टू की बात करूं तो एस टू अभी कितना आएगा, 40 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। मुझे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी कि एस टू माइनस एस वन चाहिए, यानी कि 40 टी माइनस 50 टी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 240 मीटर। यस और नो? अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो क्या ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है? I'm quadratic. I'm quadratic. बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब लीनियर तो ग्राफ नहीं आएगा उसके बाद का। ये आपने 50 टी लिखा, ये 5 टी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो यानी कि आप ये वाली इस पॉइंट पर आओ, ऑप्शन कोई और एलिमिनेट होता हो तो कर दो, ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है क्योंकि ये उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन दे रहा है। अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, तुम ये सोचो कि यहाँ पर आप बाकी और कुछ तो जज नहीं कर पाओगे लेकिन ये वाला पॉइंट जज करो। हम डी वाला डी एक्सेलरेशन में जा रहा है ना? नहीं नहीं, देखो अभी देखो डी वाला क्या बोल रहा है आपको, बिल्कुल डी एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जीरो की तरफ होता हुआ दिखा रहा है कि वो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम से जीरो हो गया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, देखो ये वाला, हाँ ये वाला देखो, आपको पता है कि ये यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टोन ग्राउंड को टच करके रेस्ट पे है, लेकिन ये वाला तो रेस्ट पे नहीं है ना, ये जब नीचे आएगा तो किसी स्पीड से आएगा। यहाँ पर अगर आप रोक दो तो अलग बात है, अगर आप नहीं रोक रहे तो, अगर ये मैं कह रही हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड से भी आया है तो इनके बीच 5 का तो है ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो वेलोसिटी है कि नहीं? यस मैम। ये आपको क्या दिखा रहा है, इसका स्लोप आपको, ये y2 माइनस y1 और t के ग्राफ है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है ना, तो स्लोप जीरो तो नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं आ रहा एकदम से पॉइंट पर, समझ रहे हो? यस मैम। एक बार फिर से समझा देना मैं। बिल्कुल, देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारा फर्स्ट वाला पार्टिकल जो 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा था वो ग्राउंड पर आ गया है, और एक ये वाला पॉइंट है जो 40 मीटर पर सेकंड वाला कहीं यहाँ पर है, जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो जब ये यहाँ ग्राउंड को बिल्कुल टच करने वाला होगा, अप्रोच करने वाला होगा, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी ना, ऐसा तो नहीं कि जीरो वेलोसिटी से आएगा, यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी होगी ना,
वही तो वेलोसिटी इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोल रही हूँ कि, और कुछ नहीं, चलो 5 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है। तो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, ये 5 रह जाएगा ना इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी, तो स्लोप कांट बी 0 ना, बोलो। यस मैम। इफ स्लोप कांट बी 0 तो ये चीज नहीं आ सकती अपने पास, ये जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए गलत है ये वाली बात। देखो ऐसे ही कुछ स्लोप के साथ आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन सी इज करें, बोलो। यस मैम। अब एक काम करो, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क में रखो, अच्छा क्वेश्चन है और कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अपन लोग ट्राई कर चुके हैं प्रीवियस रिवीजन क्लास में भी करा था हमने, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 6 करो और इसको मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, ठीक है? अभी डोंट वरी, अब ये वाला क्वेश्चन करो, टाइम हो रहा है 15:13, आप इसको 17 तक कर लो। ये यहाँ बोला गया है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन इज y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स एंड x एंड y आर रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आर h max और theta, आपसे पूछा। ट्राई करो और बताओ। हमें एक बार ही नीचे वाला ऑप्शन निकालना।
मैं कर रहा हूँ अभी। दो मिनट मैम। चलो अभी मैं ही करा देती हूँ फटाफट से। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भी नहीं। इसमें सिंपल सी एक बात आपसे बोली है कि अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है ना, कुछ ऐसे जाएगा उड़ के। इसका इक्वेशन आपको क्या दे रखा है बेटा? y is equal to ax minus bx square. ये हमको दिया। आपको याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? यस मैम, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। आगे बोलो मैम। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। बस अगर आपको ये याद है तब तो आपका सारा काम खत्म। एक बात बताओ, यहाँ से आपको एक चीज मिल गई ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ए। कंपेयर करो, थीटा इज tan इनवर्स ए। तो अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में ये है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, सी और डी। सी या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, चलो अब और क्या कर सकते हैं हम? हाइट निकालनी है एच मैक्स। तो एच मैक्स के अबाउट अगर आप सोचो, जैसे कि ये ऐसा कुछ गया, अगर ये एच मैक्स है तो उसके अबाउट जो स्लोप होती है वो जीरो होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालू और उसको जीरो पे इक्वल रख दूं तो बात बन जाएगी ना। इस पॉइंट पे रेंज हाफ होती है ना, मतलब तो इतना पोर्शन आर बाई टू
इतना आर बाय टू राइट एच मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो यस मैम है ना ठीक है बस यही दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि एच मैक्स स्लोप इज जीरो एंड रेंज इज इक्वल्स टू आर बाय टू एट दैट पॉइंट ठीक है तो आपके पास इक्वेशन है d by dx is equals to क्या दे रखा है ax minus bx square right आप इसको सॉल्व कर दो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा a minus 2bx ये मिलेगा ना is equals to zero यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया a by 2b अब ध्यान रखना this a by 2b is equals to r by 2 यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहती इस क्वेश्चन में रेंज तो आप वो भी बता सकते थे ए बाई बी बट फिलहाल रेंज तो मुझसे नहीं पूछा है मुझसे पूछा है एच मैक्स तो मैं क्या करूंगी जो मेरे पास इक्वेशन थी ना वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इसमें एक्स की जगह ए बाई टू भी पुट कर दूंगी है कि नहीं बस आप इसको सॉल्व कर दो और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर भी आ जाएगा है ना तो हाइट मैक्स आ रही होगी एच मैक्स आ रहा होगा आपके पास ए स्क्वायर बाय फोर भी और टेन थीटा आ रहा होगा यानी कि थीटा आ रहा होगा टेन इनवर्स जिस ऑप्शन में ये दोनों चीजें हैं दैट इज योर आंसर ऐसा किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी सी ठीक है ये सारे क्वेश्चन अभी आईआईटी में आए हुए थे और अगर आपने इसे कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट थे भी नहीं है ना इजी थे बस एक बार फिर से रिवाइज कर लेना नोट्स रिवाइज कर लेना कल टेस्ट दो उससे पहले कॉन्सेप्ट्स याद हो मतलब ऐसा ना हो कि तुम कॉन्सेप्ट्स में कहीं लैग कर रहे हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके तमाम ओके चलो बाय बाय